हेलो दोस्तों, ग्लोबल देसी तड़का में आपका स्वागत है। आज जो डिश हम किचन में बनाने जा रहे हैं वो है ये लौकी के कोफ्ते की सब्जी। इस रेसिपी से कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और ग्रेवी भी लाजवाब होगी। हमारी ये रेसिपी से बड़े ही क्या, बच्चे भी लौकी के कोफ्ते की सब्जी खाना पसंद करेंगे। इसे शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बनाएंगे कोफ्ते। इसके लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज लौकी, जिसे हमने क्लीन करके इस तरह कद्दूकस कर लिया है, आधा कप कॉर्नफ्लावर, आधा कप बेसन, आधा चम्मच अजवाइन, आधा कप हरा धनिया पत्ता। सबसे पहले हम कद्दूकस की हुई लौकी एक बोल में डालेंगे। हमने लौकी का सारा जूस निकाल लिया है। इसमें अब हम अजवाइन डालेंगे, कॉर्नफ्लावर का आधा ही पोर्शन हम सबसे पहले डालेंगे, बेसन का भी आधा ही पोर्शन हम यहाँ पे डालेंगे। अब हम नमक डालेंगे, इसे अच्छी तरह आप मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे एक टेस्ट करनी है दोस्तों। जब ये मिक्स हो जाए तो हल्का सा पोर्शन लेके आप इसे हाथ में दबाकर इस तरह देखें, ठीक से ये बॉल बन नहीं रहे तो हम हमारा बचा हुआ कॉर्नफ्लावर और बेसन डालेंगे और हरा धनिया पत्ता। इस तरह से ये बॉल अच्छी तरह बन रहा है। यहाँ मैंने ढेर सारे बॉल्स बना के रखे हैं, जिसे मैं अब फ्राई करूंगी। तेल गरम होने पर लो फ्लेम पर हमें ये कोफ्ते फ्राई करने हैं। इस तरह धीरे धीरे 5 कोफ्ते मैंने तेल में डाले हैं। कोफ्ते को अच्छी तरह से तेल डालकर पकने दें। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो बाहर से कोफ्ते जल सकते हैं और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरह पकने देना है। हमारे कोफ्ते अब धीरे धीरे ब्राउन हो गए हैं और अच्छी तरह पक गए हैं। इस तरह अब मैं इसे एक प्लेट पर डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी तरह से कोफ्ते बन गए हैं। अब हम बढ़ते हैं ग्रेवी की ओर। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 10 लहसुन की कलियां पिसी हुई, 2 टमाटर और 2 अनियन की प्यूरी, आधा चम्मच कसूरी मेथी। अब एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है और यहाँ पे हम लहसुन की दरदरी पिसी हुई पेस्ट डालेंगे। इसे थोड़ा फ्राई होने देंगे और फिर उसमें हम डालेंगे हमारे अनियन की ये प्यूरी। फ्लेम हमें लो पर ही रखना है दोस्तों, वरना ये अनियन की जो बारीक प्यूरी है वो जल सकती है। अब इसे ढककर रखेंगे। 5 मिनट के बाद इसे खोलेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो की प्यूरी और इसे अच्छे से मिला देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसे फिर से ढककर रखेंगे। 5 मिनट के बाद मैंने इसे खोल लिया है और अच्छी तरह से तेल साइड से निकल रहा है। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर। अब इसे हम अच्छी तरह मिला देंगे और फिर से ढककर रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। अभी तक ग्रेवी अच्छे से पकी नहीं है क्योंकि तेल छूटा नहीं है, तो हम इसे नमक डाल के फिर से ढककर रखेंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि साइड से और काफी जगह से तेल छूटना शुरू हो गया है। यह एक इंडिकेशन है कि हमारी ग्रेवी और सारे मसाले अच्छी तरह पक गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे हल्का सा गर्म पानी। हल्का सा गर्म पानी इस्तेमाल करने से ग्रेवी का कलर अच्छे से बना रहता है। इसे अच्छी तरह से मिला दें। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। अब हम इसे 7 से 8 मिनट तक ढककर रखेंगे। फ्लेम मैंने लो ही रखी है। 7 से 8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर आ रहा है हमारी ग्रेवी को और बहुत ही लाजवाब दिख रही है। अब हरा धनिया पत्ता डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही खुशबूदार और लाजवाब बनी है हमारी ये ग्रेवी। अब ये ग्रेवी कोफ्तों के साथ सर्व करने के लिए तैयार है। इस तरह मैंने बोल में ग्रेवी और कोफ्ते रखे हैं। आप इसे एक कटोरी में इस तरह सर्व कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, बन गई हमारी ये कोफ्ते की सब्जी। बेहद लाजवाब और खुशबूदार बनी है। इसे आप जरूर ट्राई करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी खिलाएं। और हाँ, रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।